अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हिसाब पाकिस्तान टीवी। मैं हूं वसीम अब्बास। चक्कर व्यू सिर्फ कुर्सी का है, जिसके नीचे कुर्सी हो वही कुर्सी हो वही कुर्सी की बादशाहत चल रही है। भले 2 महीने के लिए कोई क्यों ना बैठा हो, अब ये जैसे पीडीएम के लोग 6 महीने के लिए बैठे हुए हैं या साल के लिए बैठ चुके हैं। इलेक्शन का साल है, इलेक्शन हो जाना है, पता नहीं किसकी हुकूमत आएगी, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस मुल्क का ये हाल हो गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब अगर नज़र डाले पिछले 3.5 सालों पे, तो इमरान खान साहब की हुकूमत थी। इमरान खान साहब उससे पहले खुद धरने दे चुका और धरनों की सियासत इमरान खान ने ही शुरू कराई थी। और ये जो धरनों की सियासत थी, ये कामयाब भी हुई थी। नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई और उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत आई और फ्रांस ने गुस्ताखी की। आसिया मलूना का मामला हुआ, उसमें तहरीके लब्बैक उठ खड़ी हुई, धरने दिए गए। फिर फ्रांस ने गुस्ताखी की, फिर तहरीके लब्बैक खड़ी हुई और धरने दिए गए और पुरअमन एहतजाज किया गया, जो कि किसी भी पार्टी का हक होता है पुरअमन एहतजाज करने का। और फिर ये लोग तो कोई सियासी उसके लिए नहीं निकले थे कि आप उन पे शैलिंग कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये लोग तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए निकले थे, ये तो उनकी इज्जत के लिए निकले थे, पर अमन थे ना। तो आपने अपने दौरे हुकूमत में, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो इसीलिए कह रहा हूँ कि जिसके हुकूमत हो वो ही बादशाह है, वही सब कुछ है, उसी की बेंस है, उसी की लाठी है। आपने शैलिंग की, गोलियां बरसाई, हर एक चीज़ की, तहरीके लब्बैक के लोगों पर आपने गोलियां चलाई, लोग शहीद भी, 27 लोग शहीद हुए थे उसमें, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मेरे हो सकते हैं कि मेरे गिनने में कुछ गलती हुई हो, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि 27 लोग शहीद हो चुके थे आपके दौर हुकूमत में। ये भी एक नामूस के लिए निकले थे ना, तुम्हारे नामूस के लिए तो नहीं निकले थे इमरान खान, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए निकले थे। और ये आपके इस सियासी मार्चों से ज़्यादा पुरअमन लोग थे, पुरअमन धरने थे। अगर आप इनको पुरअमन रहने देते, चले ठीक है, ये तो हो गया, अब आपकी हुकूमत नहीं रही, दूसरे की हुकूमत आ गई, नून लीग पीडीएम की हुकूमत आ गई, फिर अब उनकी लाठी उनकी भैंस। अब आप रोडों पे धक्के खा रहे हैं, आप लोग रोडों पर डंडे खा रहे हैं, आप कहते हैं कि हमारे पुरअमन एहतजाज पर गोलियां बरसाई गई। तो ये अगर आपका ये पुरअमन एहतजाज है जो सियासत के लिए है, अपनी कुर्सी के लिए है, तो वो आपसे आपके इस पुरअमन एहतजाज से वो धरना ज़्यादा पुरअमन था, क्योंकि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए निकला था। वो धरना, वो एहतजाज आपके इस रैलियों से, आपके इस एहतजाजों से ज़्यादा पुरअमन हम समझते हैं, क्योंकि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए निकला था। आपने उन पर गोलियां और शैलिंग बरसाई थी, ठीक है, वो भी अब एक सियासी पार्टी बन गई है, आप भी एक सियासी है, लेकिन आपके इस एहतजाजी धरनों से वो धरना मुझे ज़्यादा पसंद, ठीक है। मुझे क्या, पूरे पाकिस्तान को आपको ही पसंद होना चाहिए था, लेकिन आपने गोलियां बरसाई। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो अब आपके साथ हो रहा है। अब आप कह रहे हैं कि हम पुरअमन है और रियासत ये कर रही है, रियासत वो कर रही है। देखें, इस तरह अगर आप दोबारा भी हुकूमत में आते हैं तो कोई और धरने देगा या कोई एहतजाज करेगा, तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि वज़ीर आज़म पूरे पाकिस्तान का होता है, ये नहीं कि आप किसी
पार्टी का है, तहरीक इंसाफ के आप लीडर है, तो जब आप वजीर आजम बनते हैं तो पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम होते हैं। अब शहबाज शरीफ वजीर आजम है तो सिर्फ नून लीग का वजीर आजम तो नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम है। अब आप लोग किसी को भी अगर कुर्सी मिलती है इस इलेक्शन में, अभी इलेक्शन होने वाले इंशाल्लाह, हम सारे पाकिस्तानी चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, अगर किसी को भी हुकूमत मिलती है, इमरान खान आपको मिलती है, शहबाज शरीफ आपको सही तरीके से मिलती है, तो एक तरफ हो जाए, एक बंदा हार मान जाए, और फिर अगर इसी तरह के धरने दिए जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए, कुरान के नामूस, कुरान के लिए, या इसी तरह दीन के मामले पर अगर धरना दिया जाए, या आपके हमारे दीन के मुताल्लिक कोई धरना दिया जाए, तो आप सियासी धरनों से ज़्यादा इसको पर अमन समझें, यह आपसे गुजारिश है, क्योंकि वो हुजूर की नामूस होती है ना, उसमें तो कोई शक नहीं है कि ये धरने, ये चीज़ें हुजूर की नामूस के लिए जो निकलती है, ये सबसे ज़्यादा पुरअमन ही होती है। इस्लाम पुरअमन रहने का दर्स देता है, समझ रहे आप? तो आप अगर आप में से किसी को भी ये दोबारा से हुकूमत मिलती है तो आप इस तरह के धरने अलाउ कीजिए, ताकि बाहर ममालिक जो गुस्ताखियाँ करते हैं उनको तो पता चले ना कि सिर्फ अवाम ही नहीं, हुक्मरान भी चाहते हैं कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताख ना हो, क्योंकि सिर्फ अवाम मुसलमान नहीं है ना, आप भी तो मुसलमान हैं, तो आप भी चाहेंगे कि गुस्ताखी हुई है इसमें आप भी शरीक हों एहतजाज में, तो सबसे अच्छी बात होगी। तो बस मेहरबानी करें आप लोग, लोगों पर रहम करें, अपने आप पर रहम करें। जिसकी लाठी जिसकी भैंस वाली बात अब ख़त्म होनी चाहिए। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।